झारखंड राज्य में कोरोना संदिग्ध जांच का पहला मशीन जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लगाया गया था। पूरे राज्य में कोरोना संदिग्ध की जांच एमजीएम अस्पताल में की जा रही थी, जिसके बाद रांची और धनबाद में इसकी शुरुआत की गई। वहां आज भी कोल्हान समेत अन्य जिलों में रोजाना सैकड़ों कोरोना संदिग्ध मरीजों की जाँच के लिए रिपोर्ट एमजीएम में आ रही है, जिसे काफी भार एमजीएम में लगे मशीन पर पड़ रहा था और सिर्फ रोजाना 30 से 40 जाँच ही की जा रही थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसको देखते हुए एमजीएम अस्पताल में दूसरा मशीन भी लगा दिया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इस दोनों मशीनों के द्वारा 8 घंटे के भीतर 100 से अधिक कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट आ सकती है। इस दौरान अस्पताल के जांच मशीन का निरीक्षण अस्पताल के अधीक्षक और डॉक्टरों ने किया। इसकी संख्या बढ़ जाएगी, हम लोगों का जो बैकलॉग है, हम लोगों का भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आइसोलेशन में भी जैसे बैकलॉग है, बाहर के मरीज लोगों को बैकलॉग के चलते प्रॉब्लम हो रही है, वो कम से कम फास्टर हो जाएगा। पहले तो हम लोग कोशिश करते थे यहाँ के लोगों का, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन वो होगा, इसलिए जितने भी बैकलॉग हैं उन लोग के थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अदरवाइज जितना फास्टर होगा उतना हम लोगों के लिए सुविधा है, यही फायदा है। लेकिन अभी दूसरे जिला से भी यहाँ भेजना शुरू करेंगे तो फिर वही बैकलॉग का बैकलॉग हो ही जाएगा, रही जाएगा। इस तरह कहेंगे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग सबसे प्रधान चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग जो सब जगह लोग यूज़ भी कर रहे हैं। अभी भी 9 बजे के बाद मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ 9 बजे के बाद सड़क खाली हो जाती है ना। लोग गाड़ी उड़ी में दो एक घूमते हैं, लेकिन जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ नहीं है। लोगों में एक डर समाया हुआ है। दो ही चीज़ है, या तो सोशल डिस्टेंसिंग और होम स्टे, यही दो चीज़ हम लोगों का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा कुछ नहीं है हमारे पास। सर्दी खांसी होती है तो उसकी थोड़ी बहुत दवा खाइए, बुखार आता है तो बुखार की दवा खाइए। हम स्पेसिफिक कोई दवा भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे।